प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। फिर भी भाई बहनों, आज यकीन रखना, भरोसा रखना, परमेश्वर आपके साथ है। यीशु एक सच्ची दाखलता है। दाखलता क्या होती है, हम आपको समझाने और बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि परमेश्वर एक किस तरीके से परमेश्वर हमसे प्यार करता है और वो हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से काम करता है। फिर भी भाई बहनों, आज यकीनन आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर आपको अभिषेक करेंगे, हर प्रकार से आपको परिपूर्ण करेंगे। जो आपको आपकी ज़िंदगी में चाहिए परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा। हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। यकीन रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक बातों को, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की चिंताओं को आज वो ख़त्म करने वाला है। आज हम आपके लिए कर्जे के लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ के प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा आज आपके घर में बरकत दे। इस शाम के वक्त पिता परमेश्वर, रात के समय जितने भी मसीह भाई बहन चिंतित है, दुखी थे, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, इनकी ज़िंदगी में काम कर खुदा। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए कि जाए इनके जीवन में काम करे और ये कहीं भी किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में, किसी भी वक्त कहीं पर क्यों ना हो, पिता आप इनकी देखभाल करेंगे। इनको आपने इनको जीवित रखा, इनको संभाल कर रखा, सुबह से आपने शाम तक इनकी ज़िंदगी को संभाल कर रखा, तो पिता आगे भी इनकी बरकत और आशीष इनको देंगे। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको चिंता नहीं करना, आज आपको डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। आज आपको यकीन रखना है, भरोसा रखना है कि परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में हर प्रकार से परिपूर्ण करेगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से। फिर प्रिय भाई बहनों, इस समय आज आपको इस वीडियो को शेयर करना है ताकि और लोग जुड़ सके। इस समय जितने लोग जुड़ रहे हैं आज, वो आज और जुड़ सके, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेंगे। और जितने वसी भाई बहन कमेंट करते, इस वीडियो को शेयर करते हैं, उतने ही लोग जुड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रभु को जानेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। इसीलिए आज आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। सच्ची दाखलता मैं हूँ, कौन कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें ये पहले ध्यान देना होगा। यदि आपका मन नहीं करता तो आप इस प्रार्थना को बंद कर सकते हैं, यदि आपका मन करता है तो आप इस प्रार्थना को अंत तक करिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपके अंदर एनर्जी आएगी, आपके अंदर एक जोश आएगा, आपके अंदर एक जुनून आएगा परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए, दुआ करने के लिए। अगर जिस दिन हमारे अंदर वो जुनून आ गया, उस दिन जिस दिन अंदर हमारे अंदर ताकत आ गई, तो परमेश्वर हमारे को हर प्रकार से परिपूर्ण करेगा, चाहे किसी भी प्रकार की कंडीशन में हम क्यों ना हो, परमेश्वर हमको हर प्रकार से परिपूर्ण करेगा। यदि आज हम यकीनन विश्वास करते हैं, उस खुदा पर विश्वास करते हैं, वो आपको चंगाई भी देगा, आपको हर प्रकार की मुसीबत से आपको बचाएगा, आपको नई शिक्षा, नया ज्ञान, नई बुद्धि, नई समझ, नई ताकत आपको परिपूर्ण करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। यदि आज अपने संपूर्ण मन से यहोवा की बातों को सुना और प्रार्थना को ग्रहण किया, तो परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में बरकत और आशीष देगा। ये बातें मैं ऐसे नहीं बताता हूँ, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आप तक परमेश्वर पहुंचाता है। इसीलिए आपको इन बातों को ध्यान से सीखना चाहिए, कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। यदि इग्नोर करते हैं, हम चिंता में हैं, डिप्रेशन में हैं, दुख में, मुसीबत में, आप ये कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में खेती प्रॉब्लम है, मैं क्या प्रार्थना करूं, मेरी परमेश्वर प्रार्थना सुनता ही नहीं, मैं प्रार्थना क्या करूं, मैं ही नहीं प्रार्थना करूंगा, मेरा मन नहीं करता है, तो मेरे प्रिय भाई ना, आज आपको अपने वो अहंकार में बोल रहे हैं, क्योंकि आज आपके अंदर इतना बड़ा अहंकार हो चुका है कि आप परमेश्वर पर यकीन नहीं रखते, भरोसा नहीं रखते, तो आप किस पर यकीन रखेंगे, किस पर भरोसा रखेंगे, अपने आप पर, जो एक मिट्टी है, नहीं, एक मिट्टी पर आप भरोसा नहीं रखते, वो कभी भी टूट सकता है, कभी भी वो खत्म हो सकता है। इस बात पर यकीन रखना, उस खुदा पर यकीन रखो, उस परमेश्वर पर यकीन रखो, इसने आपको श्वासें दी है। जिस समय आप बोल रहे हैं कि नहीं, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, विनती नहीं करूंगा, आज मेरे पास समय नहीं है, आज मेरे पास 20 से 25 मिनट समय नहीं है 24 घंटे में, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं और परमेश्वर आपको अभिषेक भी नहीं करेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि परमेश्वर आपको अभिषेक नहीं करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा की आप अनदेखा करते हैं, उसके बातों को सुनने से आप इनकार करते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम एक न एक दिन उस रास्ते पे आओगे जिस रास्ते पे मैं चाहता हूँ तुमको चलाना। तो परमेश्वर आज आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा, हर प्रकार के वो आपको परिपूर्ण करेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार के किसी भी कंडीशन में आप क्यों ना हो, परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में ढेर बरकत और आशीष देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है
और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि आज आपकी जिंदगी में आप परमेश्वर की डाली हैं, आज परमेश्वर की आप शाखाएं हैं, यदि आज आप में फल नहीं आती तो परमेश्वर क्या करेगा? काट डालेगा और उसके बाद नई शाखाएं आपकी जिंदगी में उगेंगी और उसमें फल आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यकीन रखना, इस बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने क्या कहा? इस बात को यकीन रखना, जो डाली मुझ में है, परमेश्वर ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता और जो फलती है उसे वह छांटता है, ताकि और फले और तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए आज जो डालियां हैं, आज हम जो शाखाएं हैं, परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के आज हम बहुत बड़ी शाखाएं बन चुके हैं। परमेश्वर हमारा एक पेड़ है, एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। आज हमारी हम शाखाएं हैं, तो जिस शाखाएं में परमेश्वर का वचन कहता है फल नहीं आता, परमेश्वर से काट डालता है, लेकिन वो शैतानी ताकत जो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में काम करती है, इसी कारण आपकी ज़िंदगी में फल नहीं आता। लेकिन परमेश्वर उन हर प्रकार की मुसीबत से आपको बचाएगा, हर प्रकार की पवित्र आत्मा के द्वारा उन हर प्रकार की जो बुरी आत्मा है, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, किसी भी प्रकार की आत्मा आपके घर में, जो डालियाँ नहीं फलती, जो फल नहीं लगते हैं, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कहता है कि जो फल नहीं लगते, आपके काम नहीं सफल होते, आपके घर में आपके प्रॉब्लम, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम है, आपके माता पिता भाई बहनों के परिवार में लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है, ये सारी संख्याएं, जो सारी प्रॉब्लम्स आपको मैं गिना रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि ये फल होती हैं और आप डालियाँ हैं। इसीलिए यकीनन यदि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, आपकी ज़िंदगी में दिक्कत, मुख्य मुसीबत है, तो परमेश्वर आपको हर प्रकार की समस्याओं से बचाएगा, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार के दुख से आपको बचाने वाला खुदा आज आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहनों के संग है। इसीलिए यकीनन याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो। परमेश्वर ने क्या कहा? तो मुझ में बने रहो। यदि आज हम प्रभु में बने रहते हैं, विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो जरूर एक न एक दिन हमारी शाखाओं में फल आएंगे और उससे फल को हम अच्छी तरीके से परिपूर्ण हो पाएंगे और हमें हर प्रकार के कामों में, हर प्रकार के बिजनेस में, हर प्रकार के जॉब में, हर प्रकार के धंधे में परमेश्वर हमें बरकत देगा, हमें आशीष देगा। चाहे वो दुख हो या दुखित हो, आप चिंतित हो, नौकरी के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, चंगाई के लिए, कर्जे से आप दबे हैं, दुख में हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में ही, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, किसी भी कंडीशन में क्यों ना आप हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में। परमेश्वर ने क्या कहा? अगर तुम मुझ में बने रहते हो तो मैं तुम में बना रहूंगा। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, यदि आज हम प्रभु से जुड़े रहते हैं, अगर उससे हम अलग नहीं होते हैं, उस पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं और प्रभु से जुड़े हुए हैं, तो प्रभु हमसे जुड़ा रहेगा। यकीनन आपको विश्वास करना होगा, आपको बिलीव करना होगा, क्योंकि खुदा आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, अपने आप से नहीं फल सकती। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तुम मुझ में बने रहो, परमेश्वर का वचन कहता है, तो मैं तुम में बना रहूँगा। जैसे डाली यदि दाखलदा में बनी रहे तो अपने आप से फल परमेश्वर वचन कहता है अपने आप से नहीं फल सकती। परमेश्वर वचन कहता है वैसे भी तुम भी यदि मुझ में बने रहो, परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझ में ना बने रहो तो फल नहीं सकते। यानी यदि आज हम परमेश्वर से जुड़े नहीं, तो जिस तरीके डालियां अगर पेड़ से जुड़ी नहीं रहेंगी तो उसमें क्या फल आएंगे? वो सूख जाएंगी। इसी तरीके परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझसे नहीं बने रहोगे और मुझ में नहीं जुड़े रहोगे और मुझसे प्रार्थना विनती नहीं करोगे, तो क्या आपकी ज़िंदगी में कोई चमत्कार होगा? क्या आज आपकी ज़िंदगी में कोई फल होगा? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई आशीष होगी? क्या आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में बरकत होगी, आशीष होगी? नहीं। अगर हम प्रभु में बने रहते हैं, विश्वास करते हैं, यकीनन उस खुदा पर यकीन करते हैं जिसने हमें, परमेश्वर ने सामर्थ्य और ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को हमें दिया, तो आज हमारी ज़िंदगी में हर प्रकार की प्रॉब्लम दूर होंगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मैं दाख लता हूँ, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर के तुम कुछ नहीं कर सकते हो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझसे अलग
अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते हो। यदि आज हम कुछ अलग होकर के परमेश्वर से नहीं कर सकते तो आज हमें अलग होने की क्या आवश्यकता है। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं बिलीव करते, नहीं भरोसा रखते, लेकिन जितने मसीह भाई बहन यकीनन विश्वास करते हैं, आशीष को पाना चाहते हैं, तो हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हम आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके हर एक मसीह भाई बहन की जिंदगी के लिए, जीवन के लिए प्रार्थना कर सकें, दुआ कर सकें। और जितने भी मसीह भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं तो वो जुड़ें, और जितने मसीह भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं तो परमेश्वर उनको बरकत और आशीष देने जा रहा है। हर प्रकार से वो परिपूर्ण करेगा, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, तुम मुझसे अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते हो अपनी जिंदगी में। जिस तरीके से वो पेड़ से अगर डालियाँ हट जाती या फिर कट जाती हैं तो डालियों में कभी क्या फल आ सकता है? नहीं, पेड़ में तो फिर डालियाँ उगाएंगी, लेकिन जो डालियाँ हैं जो कट जाती हैं, शाखाएं वो कट गई तो वो सूख जाएंगे। इसीलिए हम शाखाएं हैं, हम डालियां हैं, तो परमेश्वर से हमें जुड़े रहना है। यदि हमारा विश्वास कमज़ोर होता है तो मेरी प्रार्थना की गई है, जो भी आपको उसको सुनना है, आपके अंदर इतनी एनर्जी, इतना जोश, इतना जुनून आएगा कि आपका मन नहीं कहेगा कि हाँ मैं परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करूँगा। आपका यकीनन मैं विश्वास करता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका 100% आपका मन करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में हर प्रकार से परिपूर्ण करेगा, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा, हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करने वाला यहोवा जिंदा जीवित यहोवा खुदा परमेश्वर आपके घर में और आपको आशीष और बरकत देगा। इसीलिए विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर प्रकार की प्रॉब्लम को देखता है और उसे देखता है, और वह कहता है कि तुम विश्वास रखो, यकीन रखो, भरोसा रखो, मैं तेरी ज़िंदगी में हर एक प्रकार से परिपूर्ण करूँगा। इसीलिए जो आपसे बैर रखते हैं, आपसे दुश्मन हैं, आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो सबसे प्यार आपको करना है, आपको सीखना है, आपको समझना है कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से काम करता है। इसीलिए आज हमें परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो परमेश्वर का वचन कहता है, तो वह डाली का परमेश्वर का वचन कहता है सूख जाता है। यदि आज हम परमेश्वर में ना बने रहें और जैसे उस पेड़ में डाली ना लगी रही तो वो सूख जाती है, उसी तरीके यदि हम परमेश्वर के वचन में ना बने रहें तो हम सूख जाएंगे। हम इस संसार की बातों में आकर के अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लेंगे, बीमारी में ला लेंगे, दुख में ला लेंगे, चिंताओं में ला लेंगे, प्रॉब्लम में लाएंगे, दुख में, मुसीबत में। इसीलिए आज आपको इस प्रार्थना को यकीनन विश्वास रखना होगा, धैर्य रखना होगा, भरोसा रखना होगा, आपको इस प्रार्थना को अंत तक करना होगा। प्रभु आपको आशीष देगा, हर प्रकार की प्रॉब्लम को आपके दूर करने वाला खुदा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर पर हाथ रखे हुए हैं। बड़े हिवाओं के साथ अपने हाथों को उठा करके, अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। पिता उनके जीवन को छो, पिता यीशु नासरी के नाम से हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो हमें हर प्रकार के दुष्टों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, जो मुसीबत में, जो क्लेश में है, जो संकट में, यीशु नासरी के नाम से उनको आप बचाने के लिए आए, सुनासरी के नाम से उनको अनंत काल का जीवन देने आए हैं। इसलिए बहुत बहुत आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आप तो प्रेमी है परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप न करता हो, लेकिन हर एक इंसान पापी, यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जिस समय लोग दुखी थे, जो चिंतित हैं, जो अपने मन में इस समय सोच रहे हैं, पिता यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बरकत दे, उनके जीवन में आशीष को दे यीशु नासरी के नाम से। जिस समय पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर, आप तो प्रिय हैं पिता परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए आज इनके हर अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के अपराधों को क्षमा कर यीशु नासरी के नाम से, हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर, परिपूर्ण कर यीशु नासरी के नाम से, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनको बच्चे को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, ये हुआ आज इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। ये अपना हाथ पिता परमेश्वर इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन पर रखिए, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर, मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके रचा है, क्योंकि आपके बेटे और बेटियाँ हैं पिता परमेश्वर। ये समय जो सारे लोग प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर,
परमेश्वर, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना कर रहे, विनती कर रहे, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर वो आपके सामने डट करके मुकाबला करते हैं पिता परमेश्वर उस शैतान से पिता परमेश्वर, वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से, इनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इनके घुटने टेके हुए पिता परमेश्वर, ये आपकी तरफ हाथ हाथ फैला करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन को देख पिता यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, धैर्य रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है, वो हर प्रकार की आपकी निगेटिव सोच, नकारात्मक सोच वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, चाहे वो आप पति हो, चाहे पत्नी हो, किसी प्रकार के गलत विचार आपके जीवन में आ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के नकारात्मक आपके विचार अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी का, हर प्रकार के शक आपके अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार के शक दूर करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार को आज आपके जीवन में परमेश्वर विश्वास को बोने जा रहा है, आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के क्लेश आज वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं, आपके छोटे बच्चे के आज बीमार हैं, उनको फीवर है, उनको आज दिक्कत है, मुसीबत है, उनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, इतनी समय इतने मसीह भाई बहन अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता, और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके अपने दिल की बातें आपके तक रखते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, हर एक मसीह भाई बहन के दिल की बातों को छो पिता परमेश्वर, उसको देख, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसे हर प्रकार की चीज़ों में बरकत दे यीशु नासरी के नाम से, जो उनके कर्जे हैं उनके पिता परमेश्वर, जो मार्ग बंद पड़े हैं, जो उनका बिजनेस बंद पड़ा है वो खुलने पाए यीशु नासरी के नाम से, ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से, छो पिता परमेश्वर इनको ब्लेस कर, इस समय जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहे यीशु नासरी के नाम से, सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, सभी के लिए दुआ करते, सभी के लिए प्रार्थना करते, सभी के लिए विनती करते कि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला यीशु नासरी के नाम से, आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं यीशु नासरी के नाम से, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हालात कैसे हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, हम आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, आज इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता, इनके जीवन के हर प्रकार की बीमारियों को चला दी यीशु नासरी के नाम से, उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दी यीशु नासरी के नाम से, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, किसी प्रकार का दर्द क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाला है, वो आज आपके जीवन से जाने वाला यीशु नासरी के नाम से पिता, आपकी महिमा करते हैं, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग हैं यीशु नासरी के नाम से, आज वो आपके चलने वाले हैं, आज आपके हर प्रकार की बीमारियां ठीक होने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपकी जाने वाली हैं, हर प्रकार की टेंशन आपके जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर, आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो बीमार अंग हैं यीशु नासरी के नाम से उनको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से, आज हम आज्ञा देते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से, आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं, जो भी शैतानी ताकत आज इनके जीवन में काम करती है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं, उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें जीवन दिया, उस पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें संभाल कर रखा, आज परमेश्वर आज आपको बचाने आया है, आज आप चिंतित हैं आपके बच्चे के जीवन को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, सभी लोग जितने मसीह भाई बहन हैं अपने हर एक बातों को, अपनी बातों को रखिए, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, ताकि हम आपके कमेंट को देख सकें, प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें, और परमेश्वर आपके जीवन ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीषें दे, आपको ढेर सारा प्यार दे, और ढेर सारी आपकी हर प्रकार की जो समस्या आपके लाइफ से, जीवन से वो हटने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आज झुलसा दे यीशु नासरी के नाम से,
ज्योति इन पर चमके, पिता परमेश्वर इनके पैरों में दर्द है, सीरों में दर्द है, पैरों से लेकर के सिर तक पिता यीशु नासरी के नाम से किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की डिप्रेशन हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर के शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की बीमारियों जाए इनके जीवन से। छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारियों को झलसा दे यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की महामारियों को चला दी सुनासरी के नाम से, हर प्रकार की बीमारियों को, सर्दी जुकाम बुखार किसी प्रकार की बीमारी हो आज वो जाने वाली आपके जीवन से, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली सुनासरी के नाम से, चाहे वो सर्दी हो चाहे जुकाम हो सुनासरी के नाम से, किसी भी प्रकार का फीवर हो बुखार हो सुनासरी के नाम से आज वो इनके जीवन से जाए सुनासरी के नाम से, चाहे छोटी बीमारी हो बड़ी बीमारी हो किसी प्रकार की समस्या इनके लाइफ में जीवन क्यों ना हो आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। आज वो हर प्रकार के कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के जो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी भी भाई और बहनों के दर्द है तो वहां पे हाथ रखे बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ। आज इस प्रार्थना को ग्रहण करिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। आप जिस स्थान पे अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं, उनके फीवर है, उसके सिर पे हाथ रखिए, रखिए इसी वक्त अभी रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसको छूने जा रहे हैं सुनासरी के नाम से, उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिसकी किसी के पास फीवर है उसके शरीर पे हाथ रखिए, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रखिए, आज वो आज बेचंगा होने वाला यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे चिंता जीवती हो परमेश्वर। आज ये आप आज को पुकारते हैं सुनासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं सुनासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर, अपनी दिल की बातों को आप तक पहुँचाते हैं पिता, अपने दिल की बातों को आप तक रखते हैं सुनासरी के नाम से, और ये कमेंट के माध्यम से बताते हैं सुनासरी के नाम से। उन सभी मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के कमेंट पढ़े मैंने, जितने लोगों ने कमेंट किया, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनके बच्चे के जीवन में बरकत दे, उनको आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, उनको अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सत्कलम 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 सत्कलम, पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर, अंधकार के बल जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के श्राप कर्जे बंधन जो भी इनके घर पे हो, किसी के द्वारा किया गया है यीशु नासरी के नाम से, उसको हटा दे सुनासरी के नाम से। आज वो आपके हर घर से हटने वाली सुनासरी के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाला है हर प्रकार की शैतानी ताकत। आपके पैसे में बरकत नहीं होती, आपके बिजनेस में बरकत नहीं होती है, तो आज के बाद हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाली सुनासरी के नाम से रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आशीष करने जा रहा है सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो आपके जीवन में, कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार के पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पथरी, खून की कमी, सूजन, आपके खांसी आती है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, किसी प्रकार की पिंपल्स हैं, पिंपल स्किन प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप चाहे परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं सुनासरी के नाम से। अपने फेस पे हाथ रखें, अपने चेहरे पे हाथ रखें, अपने हाथों पे हाथ रखें, अपने सीने पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए यीशु का, धन्यवाद करिए प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, आज इनको जो चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जो कमजोर हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली, घबराहट को महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की टीवी, किसी प्रकार की लकवा की बीमारी, किसी प्रकार का दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु नासरी के नाम से, आज इनके जीवन से हर प्रकार की रसोईयां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के इनके दरवाजे जो जो बंद पड़े वो खुलने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की घटी और कमी से, जो कोर्ट कचहरी के समय घूम रहे हैं, किसी प्रकार की इनको बीमारी है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, इनकी फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत कर, आज आपको शारीरिक से परमेश्वर आज को मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रांग करने जा रहा है, जो आप बहुत परेशान हैं, आपका वेट बहुत ज्यादा हो चुका है, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रही है सुनासरी के नाम से, आज आपको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से परमेश्वर, आज आपको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से, आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की हर प्रकार की जो ब्लड प्रेशर हाई लो की बीमारी है इस सुनासरी के नाम से, आज वो घबराहट को जो महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं, अपने घुटने को आपने टेक करके रखा है और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला करके, अपने सीने पर हाथ रख करके परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कहिए पिता परमेश्वर की मुझे आज छू, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर
प्रकार के रोगाड़ों से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार की चिंताओं से मुझे बचाई सुनासरी के नाम से, हर प्रकार के रोगी से मुझे पिता परमेश्वर बचाई सुनासरी के नाम से। इस समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्ज से दबे हुए इस समय दुख में मुसीबत में है, ये सब ये दबे हुए इस नासरी के नाम से, आज इनके घर के श्राप बंधन कर्ज सब टूटने पाई सुनासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपको आदर सम्मान करते हैं सुनासरी के नाम से। पिता हम आपकी महिमा करते हैं, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति। हर प्रकार की मुश्किल से इनसे बचा पिता परमेश्वर, ये शादी करना चाहते हैं पिता, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे पिता परमेश्वर, अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में पैसे नहीं रुकते, आज के बाद वो रुकेंगे सुनासरी के नाम से। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाड़ विषाणु और परमेश्वर के वचन को लेकर के सामर्थ्य वचन को लेकर के हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपका वचन जीवित है, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर, आज हमारे साथ आप उपलब्ध हैं पिता, इस समय आज हमारे पास हैं यीशु नासरी के नाम से। आपने स्वर्गदूतों को अपने आज्ञा दी यीशु नासरी के नाम से, कहीं भी किसी स्थान में कोई व्यक्ति बैठा हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में क्यों ना, यीशु नासरी के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, छुए पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस करें, उसको आशीष करें, उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या को देखें यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपको आदर सम्मान करते हैं। हर प्रकार के कोर्ट कचहरी से समय घूम रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास केस है यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार के केस रद्द होने वाले हैं, हर प्रकार के जो डिवोर्स रद्द होने वाले यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो मन आपके बदलने वाले यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे प्रेम करने के लिए आए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करना चाहता है, परमेश्वर आपको जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आमीन।